दस मुहर्रम भी एक दास्तान है, ये दास्तान नहीं है, ये सबक है, ये दास्तान नहीं है, ये सबक है, ये पैगाम है, ये कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। लोग शहीद होके इज्जत पाते हैं, और मैं कहता हूँ हुसैन ने शहादत को इज्जत अता कर दी। लोग शहीद होकर इज्जत का ताज सर पे सजाते हैं, लेकिन हुसैन ने शहीद होकर शहादत के सर पे इज्जत का ताज सजा दिया। लोग कुर्बान होकर बड़े बनते हैं, और हुसैन ने कुर्बानी कुर्बान होकर कुर्बानी को बड़ा बना दिया। लोग अल्लाह के नाम पे लुट कर पिट कर मिट कर वो कामयाबी के तराने कामयाबी के जीने तय करते हैं, और हुसैन ने लुट कर पिट कर मिट कर और अपने आप को फना करके कामयाबी का को इज्जत का मफहूम पहना दिया, इज्जत का लिबास पहना दिया। इसलिए तो मेरे मैं अपनी तरफ से लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे नबी ने कहा जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन। मेरा रब कहेगा जन्नत से, ए जन्नत मैंने तुम्हें खूबसूरत, अरे वो जन्नत है पहले ही बड़ी सोनी है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए सुनो। और बड़े ज़माने बाद हदीस याद आई, मेरे नबी ने मेरे अल्लाह फरमाएंगे ए जन्नत मैंने तुम्हें हसन और हुसैन से खूबसूरत बना दिया। शहादत को हुसैन ने खूबसूरत बनाया, कुर्बानी को आले रसूल ने खूबसूरत बनाया, कामयाबी को आले रसूल ने मफहूम पहनाया। अल्लाह के नाम पर मर मिटने के लाजवाल माना समझाए, अल्लाह को पा लेने के लिए क्या कहाँ तक जाया जा सकता है करके दिखाया। अल्लाह को पाकर सब कुछ खोकर क्या किया जा सकता है, करबला वो पैगाम है। ये सिर्फ 10 दिन का के लिए रोने धोने का पैगाम, बेशक हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत। हर शय को बिदत बिदत न बनाओ। पानी दे। उम्मे सलमा से साहब ने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है बहुत खास, किसी को दरवाजे किसी को अंदर नहीं आने देना। दोस्तों में सलमा पहरे पे खड़ी हो, थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई तो आपने क्या देखा, आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे, और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहे थे, और आपने यूं भींचा हुआ ऐसे दबाया हुआ था। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं। तो आपने रोती आवाज में कहा बहते आंसुओं के साथ कपकपाते बदन के साथ कि उम्मे सलमा ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने, कहा मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं और ये क्यामत तक रोते रहेगी दुनिया क्यामत। ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही जैनत की चादर को फाड़ा जा रहा है, आज ही मां लाशों को घसीटा जा रहा है। वो मैं हैरान होता हूँ, टीपू सुल्तान सुरंगापट्टनम में शहीद हुए, दुश्मन कौन, अंग्रेज कौन, काफिर। तो बरतानवी लश्कर ने उनको तोपों की सलामी देकर दफन किया और इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया, और मेरे नबी के नवासे की लाश को उन कमबख्तों ने कफन भी ना पहनाने दिया, जनाजा भी ना पढ़ने दिया, दफन भी नहीं करने दिया। अगले दिन बनू असद के बारे में पता चला अमर बिन सात को, तो रातों के वो उनको दफनाने वाले हैं, तो रातों रात उनको बगैर जनाजों के मिट्टी में दबा दिया और ऊपर पानी छोड़ दिया कि कोई
पता ही ना चले हुसैन की लाश। बनु असद का बूढ़ा आया अगले, जब पानी खुश्क हो गया वो आया और उसने मिट्टी उठा उठा के सूंघना शुरू किया, सुभान अल्लाह, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। एक जगह की मिट्टी उठा के सूंघा तो उसमें जन्नत की खुशबू थी, तो तड़प के बोला ये मेरे नबी के नवासे की कब्र है, ये मेरे नबी के नवासे की मिट्टी है, कि उस वो जन्नत के सरदार थे तो कब्र भी जन्नत की खुशबू फैला रही है उसकी। हालांकि बिन देखी बात है, क्योंकि उन्होंने रातों रात उनको दबा दिया कि इनका जनाजा भी ना हो, लानत हो उनकी कब्रों पर, उनकी हड्डियों पर, उनकी रूहों पर, उनकी मिट्टी पर, उनके खाक पर। समझ में नहीं आता, नबी के घर के कुत्ते की भी हम तो इज्जत करेंगे अगर आज हमें पता चले ये नबी के घर का कुत्ता है। उन कमबख्तों के सामने नबी के नवासे खड़े थे, नबी की नवासियाँ थी और नबी की औलाद थी, और उनके दिल ऐसे पत्थर, आंखें ऐसी अंधी, कान ऐसे बहरे, कि उन्हें ऐसे तलवार चलाई जैसे सामने कोई रूमी लश्कर खड़ा हो, या जैसे सामने कोई पारसी फारसी लश्कर खड़ा हो। इतने अजीम हस्तियां मैं कहां से बयान करूं।